नमस्ते टू ऑल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हेल्दी, खुश। अब जो मैं आपके टॉपिक इनके अरोरा की बुक से बता रही हूँ, जो इनके TJT के लिए स्पेशली बता रही हूँ, कि आपके जो एग्ज़ाम में कम 2-3 क्वेश्चन तो ज़्यादातर, अगर ओवरऑल देखूँ तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक पे बनते हैं। और अगर बिल्कुल बेस देख लूँ मैं इसका कि इसी टॉपिक को देखना है, तो हाँ 2-3 क्वेश्चन तो आपके आसानी से यहाँ बन जाएंगे। और टॉपिक बहुत आसान है, वो टॉपिक है टेंस का। टेंस का टॉपिक जो है किस तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी होगी। इन्होंने तो इम्पोर्टेंट वो मेन चीज़ें दे दी हैं, इस मेन चीज़ों में से ही आपको सेलेक्ट करके मैं आपको बताऊँगी कि आपको याद क्या रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको याद करते रहनी है आगे तक। तो कंप्लीट इसे सही से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो अच्छे से करनी होगी। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, और उसी बेस पर आपको अपना जो है एग्ज़ाम सही से करना हो। ये नहीं सोचना कि आप सोच रहे हो कि अगर एक आध वीडियो देख लिया, एक आध घंटा पढ़ लिया, तो आपकी तैयारी बस बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये गलत फहमी होगी, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं कोचिंग सेंटर में मैं देखती हूँ, वो कई कई साल से तैयारी करे हुए में लग रहे हैं, कई कई साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट बिल्कुल कोचिंग छोड़नी ही नहीं, ये इंतज़ार नहीं है उनको कि एग्ज़ाम आएगा, जब एग्ज़ाम होगा तभी हम पढ़ेंगे, कोचिंग छोड़ी ही नहीं। अब लगा लीजिएगा कि TJT का एग्ज़ाम कब, इसका कब फॉर्म आए थे, जून में कब आए थे, और अब तक किसी ने जो लगातार कोचिंग पढ़ रहा है, कोचिंग ले रहा है, लगातार पढ़ रहा है, घर पढ़ो मत पढ़ो, कोचिंग में पढ़ रहा है वो लगातार, तो वो क्या कर सकता है। इसलिए घर पर भी पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूसली पढ़िएगा, बिल्कुल छोड़िएगा मतलब हर टॉपिक आपको। अब तक तो हालांकि जो है आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अब तक आपको ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी पढ़ने की, अब तो आप सिर्फ नोट्स को रिवाइज़ कर रहे होना चाहिए था। और जो नोट्स आपने बनाए हैं उनके भी कम से कम हद से हद आपके पास 15-20 पेपर अब नोट्स रह जाने चाहिए थे, हद से हद, जो सिर्फ आपको पढ़ने थे, पढ़ने के लिए बस। और एग्ज़ाम तक 5-6 पेपर आपके बच जाने चाहिए, तो इतना आपको सिलेबस जो अब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था ओवरऑल। फिर भी चलिए देखते हैं टेंस को। टेंस आते हैं, टेंस कितने हो गए, 12, 4 प्रेजेंट टेंस सेंटेंस, जो 4 हो गए, और 4 ही पास्ट के होते हैं, 4 ही फ्यूचर में होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्वेश्चन कैसे बनता है, सीधा सीधा हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा। आपके सामने एक एग्जांपल जो रखा जाता है कि एग्जांपल रख देंगे और पूछ लेंगे कि अब बताइएगा इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है, या इसमें से पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है, या इसमें से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल जो है कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। अब इस बुक के ही अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझा दूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंडेफिनिट वाले जो टेंस होंगे, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहाँ पर क्या होता है, या तो वर्ब जो होगी उसमें एस या ईएस लगा होगा, या सिंपल प्लेन वर्ब होगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होता है। अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आप जो इसे देखें, बस यहाँ पर टाइम और जरूर देख लीजिएगा कि सिंस या फोर का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ सीधा साधा एक स्टेटमेंट वाला एक सेंटेंस आपके सामने होगा। पास्ट इंडेफिनिट में वहीं आप, और वहीं इन्होंने दे भी नहीं रखा है शायद, नहीं दे ही नहीं रखा है इसमें से। इंट्रोगेटिव में इनमें डू या डज आएगा, अब वो निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, डू डज आएगा जरूर। फिर एक रूल क्या है इनका, एस या ईएस होगा, या सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वैसे बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा समझाया जाता है, इसे बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, पर मैं बुक के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ फिलहाल। पास्ट इंडेफिनिट में वहीं अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा, तो उसमें आपको या तो डिड लगेगा, या वर्ब जो होगी उसमें सेकेंड फॉर्म मिलेगी लगी हुई, ये इसकी पास्ट इंडेफिनिट के टेंस की पहचान होगी। कि मान लो अगर 4 ऑप्शन में दे दिया जाए, पूछा जाए कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस कौन सा है इनमें से, तो या तो उसमें डिड होगा या फिर उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगे। डिड अगर लग गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर नहीं लगेगी, इतना आप ध्यान रखेंगे। वहीं आगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, तो सिर्फ विल होगा यहाँ पर, विल या शैल, आई वी के साथ जो है वो शैल यूज होता है, अदर सब जो सारे प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ विल का यूज, नॉन प्रोनाउन जो सब होंगे सबके साथ विल का यूज होगा, सिर्फ ये दोनों होंगे। पूछ लिया जाए, कह दिया जाए आपसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बताइएगा इसमें, तो मान लो एक सेंटेंस में विल भी है,
वही तो मुझे बोर्ड पे ज़्यादा सही समझा सकते हैं ग्रामर को, अदरवाइज बुक भी कहाँ, विल भी है शैल भी है, तो ये विल वी जो लग गया इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस नहीं है, सिर्फ विल और शैल होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, अदर फिर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, बोर्ड भी ज़्यादा सही हो जाता है ये तरीक सिर्फ। बट वैसे ट्रिक ही बता रही हूँ इसके थ्रू आपको, बुक के थ्रू, ये ट्रिक ही है। पास्ट कंटिन्यूस में वही देखें, सॉरी प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट कंडीशन कहाँ गया, प्रेजेंट, अच्छा प्रेजेंट बाद में दे दिया क्या इन्होंने मुझे ही दिखाई देना बंद हो गया, या है ही नहीं, नहीं है ही नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस इन्होंने दिया ही नहीं है, नहीं है ना, नहीं है शायद। फिर भी क्या रूल चलता है देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब कंटिन्यूस वाला होता है जो जारी रहता है जिसमें काम, तो इज आर एम प्लस आई एन जी, बस इतना, ये कहाँ होंगे प्रेजेंट वाले टेंस में होंगे। वही पास्ट में जा रहे हैं की जगह वाज वर हो जाता है, ये रहा वाज वर प्लस आई एन जी, बस इतना ही, कोई टाइम नहीं कुछ नहीं, टाइम स्पेसिक सिंस फोर नहीं लगता, क्योंकि सिंस फोर वाला भी दे दिया जाता है और पूछा जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा है, तो आपको सिर्फ वाज वर प्लस आई एन जी देखनी, अगर इसमें फोर या सिंस जुड़ गया तो फिर ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं होता, फिर ये अदर सेंटेंस में चला जाएगा, वो आगे आपके सामने आएगा कि फोर और सिंस वाले वाज वर प्लस आई एन जी वाले सेंटेंस होते कौन से हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में अब वही मैंने विल बी और शैल बी जो आपको बताया था वो यहाँ यूज होते हैं, ये रहा विल बी या फिर शैल बी प्लस आई एन जी, वहीं सिंस और फोर इसमें नहीं यूज होता है, सिंस फोर जो टाइम वाले होते हैं, मैंने जो पोस्ट भी डाली हुई है सिंस और फोर का यूज़, उसे अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि उसमें भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये हुआ। अब वही प्रेजेंट परफेक्ट, इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता होगा आपके सामने जो आएगा, हैज़ हैव आएगा, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इसके अंदर, वही जो पास्ट होगा, पास्ट देख लेते हैं आगे, कि अगर आपसे पूछ रहे थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है और उसमें से सेंटेंस अगर एक हैज हैव वाला दे दिया जिसमें थर्ड फॉर्म है, और एक हैड वाला देंगे और एक विल हैव वाला देंगे, तो इसमें जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला है वो सही होगा, आपका जो एग्जाम्पल सही होगा। इस चीज़ को मैं फिर वही कह रही हूँ कि बोर्ड पे इस चीज़ को समझना जरूर, जब मैं बोर्ड पे इसको समझाऊंगी, यहाँ भी देख लीजिएगा, अगर आपको यहीं से समझ आता है तो फिर अच्छी बात है। वही अब फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आ गया हमारा, विल हैव शैल हैव आ जाएगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब यहाँ पर आपको जो हैव बीन प्लस टाइम दिया होगा, मीन्स हैज़ बी, सॉरी हैज़ बीन या हैव बीन प्लस जो होगा यहाँ पर आई एन जी का यूज होगा, और प्लस आपको फोर या सिंस टाइम दे दिया जाएगा। अब इजारम बाजवर वाले जो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इजारम भी जरूर दे देगा, इजारम प्लस टाइम दे देंगे वो आपको, और वहीं पर जो है आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादातर कंफ्यूज होते ही यहाँ पर हैं कि टेंसेज लग ही रहा है कि टॉपिक तो ऐसे ही बस चलो नहीं देखते, कोई फ़ायदेमंद नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जब वो एग्जामिनर में स्पॉटिंग एरर देते हैं ना तो वो टेंसेज बहुत पूछते हैं, टेंसेज सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, अब वो कंडीशनल दे दे, कॉम्प्लेक्स दे दे, कंपाउंड दे दे या बेसिक ही दे दे, और टीजीटी इतना भारी एग्ज़ाम नहीं है कि वो आपके लिए बहुत भारी भरकम चीज़ वहाँ पर रखेंगे, सारी चीज़ें आसान होंगी, बेसिक होंगी, कुछ भी हार्ड वहाँ पर नहीं होगा, इतना मैं लिख के दे सकती हूँ, कुछ भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो मैं नहीं बता रही या नहीं समझा रही, सारे इसी में से आने हैं। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव, तो वहीं पास्ट में जो होता है यही हैज़ हैव हैड में बदल जाता है, और थर्ड फॉर्म प्लस आपके सामने सिंस या फोर होगा, कहाँ है फोर, ये रहा सिंस के सेंटेंस भी हो सकते हैं, होते हैं इसमें, हो सकते हैं नहीं। वहीं जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाओगे तो यही जो है ये क्या दे दिया इन्होंने, विल हैव, हाँ यहाँ पर है विल हैव और शैल हैव बीन, पूरा शैल हैव बीन तक विल हैव बीन, अच्छा यहाँ पर मैंने बीन तो छोड़ ही दिया, बीन हैड बीन हैव बीन हैज़ बीन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या, हैज़ हैव बीन,
पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस आई एन जी, और यहाँ भी हैड बीन प्लस आई थर्ड फॉर्म नहीं, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था, आई एन जी लगते हैं। ये जो बाद के सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट में विल हैव, सॉरी हैज बीन, हैव बीन प्लस आई एन जी यूज होगा, प्लस टाइम दिया होगा फोर या सिंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है हैड बीन होगा प्लस आई एन जी प्लस फोर या सिंस दिया होगा टाइम, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो होगा उसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस आई एन जी वर्ब में प्लस फोर या सिंस दिया होगा। सेंटेंसेस की जो फॉर्म्स है ये हेल्पिंग वर्ब्स है, किस हेल्पिंग वर्ब, किस जो क्या है, किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। कम से कम मैं मानती हूँ दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आसान से, और दो तीन में ज़्यादा ही आते हैं, चाहे वो कंडीशनल की तरह से पूछ ले, हेल्पिंग वर्ब में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कैसे लग रही है और कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इस टॉपिक को भी हल्के में ना ले आप ग्रामर को, क्योंकि ग्रामर ही ऐसा टॉपिक है जो इजीली आपको नंबर दिलवा सकता है। इस पर फोकस कीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़िएगा, बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।